नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यदि आपके साथ। बिहार में लगातार बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसी कड़ी में बता दें कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कई जो क्षेत्र हैं उनमें नेता और विधायक नाव पर बैठ करके जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उसका जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बता दें कि तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें किसी और की नहीं बल्कि जाप सुप्रीमो और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की है। जी हां, पप्पू यादव अतरंगी अंदाज में नजर आए हैं। नाव पर कुर्सी लगाकर बैठे हैं पप्पू यादव और बाढ़ की स्थिति का जायजा नाव से लेते नजर आए हैं। जी हां, कटिहार की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पूर्णिया कटिहार लोकसभा क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में नाव पर चढ़कर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में जा करके भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव कटिहार के कुरसेला पहुंचे हैं जहां उन्होंने कुरसेला प्रखंड के बाढ़ से प्रभावित इलाके का भ्रमण किया है और नाव से पूरा नजारा लिया है वहां का और क्या कुछ चीजें होनी चाहिए वहां पर उपलब्ध, इस पर भी पप्पू यादव का बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मांग की है, बिहार सरकार से मांग करते नजर आए हैं। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पप्पू यादव आपको नाव पर नजर आएंगे। नाव पर कुर्सी लगा करके पप्पू यादव बैठ करके जो बाढ़ से नुकसान पहुंचा है कटिहार के बाढ़ वाले इलाकों में, जो हमेशा हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं, उसका जायजा लेते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बता दें कि पप्पू यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की और बातचीत के दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला भी बोला। जी हां, पप्पू यादव यहां भी नहीं चूके, यहां पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और ये कह दिया कि मुख्यमंत्री को कटिहार आने से पहले जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं जैसे मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, कटिहार के मनिहारी, बरारी, कुरसेला, पूर्णिया के 82 जैसे जगहों पे जाकर देखना चाहिए और लोगों को राहत कैसे दी जाए इस पर जरूर सोचना चाहिए। तो पप्पू यादव ने यहां पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया है, नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आए हैं। क्या कुछ कहते नजर आए हैं हम आपको वो सुना देते हैं। गति बहुत बुरी होगी, उसी तरह की लगातार हमारे पिताजी की अभी 25 तारीख को श्रद्धांजलि सभा, 29 तारीख को, और 29 तारीख को प्रार्थना सभा में मैं लगातार कभी अररिया, कभी कटिहार, कभी पूर्णिया, लगातार उड़ भी बारिश के समय जबकि तूफान था, सुबह नहीं जाने की स्थिति थी। हमारे लोगों ने मना कर दिया, नौ वाले ने मना कर दिया कि तूफान की स्थिति, हमने कहा मुझे जाना, हर परिस्थिति में जाना, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं हम अपनी जनता को कैसे छोड़ देंगे, भगवान भरोसे या इस मुख्यमंत्री के भरोसे या सरकार के भरोसे, सरकार के भरोसे जनता को नहीं छोड़ी जा सकती है। इसीलिए हम बिजली पर गंभीर हमारी चिंता है कि बारिश में तुरंत बिजली गायब हो जाती है और 5 दिन तक बिजली नहीं फिर रहती है और कोई SDO और ओवरसियर सुनने वाला नहीं होता, इस पर भी हमारी गंभीरता है। तो हमने कहा कि पैकेटिंग करिए और एक एक सप्ताह का खाना दीजिए और इस इलाके को सबसे पहले आप पन्नी के साथ आप ब्लोचिंग और चारा की व्यवस्था करिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की घोषणा करिए। चलिए, थैंक यू सर। सर, कटिहार और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का लगातार बाढ़ में दौरा कर रहे हैं, वहीं जिला पदाधिकारी या जिला प्रशासन के द्वारा कहीं कुछ नहीं है, 0/0 ऑफिसड्डी है। देखिए, हम पहले भी कहे कि मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम के पहले भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, मनिहारी, बड़ारी, कुरसेला, बायसी, रुपौली, ये जो इलाका है जो कंप्लीट बाढ़ प्रभावित ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा और सालों भर एंट्री रोजन का काम होता है, लूटते हैं नेता पदाधिकारी और उसके बाद फ्लड फाइटिंग में सारा पैसा बर्बाद होता है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि पहले हर जगह जो बर्बादी हुई, दूसरी बार ये बाढ़ आई जिसमें बहुत बड़ी क्षति हुई, एक तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना चाहिए,
जब बाढ़ 5 दिन पहले से आया, जब मैं लगातार हम बोल रहे थे तो कम्युनिटी किचन चालू करना चाहिए था सर, आज आप दौरा किचन कल शुरू हुआ और वो भी औपचारिकता के लिए। जहाँ पर कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ, जहाँ पर सूखा राशन जाना चाहिए था, आज तक सूखा राशन नहीं है। रुपौली में कोई कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ। जिस पैसे पर जनता का अधिकार है वो पैसा दलाल माफिया अपराधी पदाधिकारी अंतरी मंत्री संतरी खा जाते हैं, तो जनता को कहाँ तक पहुँचेगी। जहाँ पर 3500 एक पंचायत में प्रभावित है, वहाँ 400 300 200 पैकेट आप लेके जाते हैं, 50 पैकेट लेके जाते हैं वो भी कम होता है, बंदर बांट हो जाता है। तो हम लगातार, अच्छा चारा कहीं नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए, जानवर की स्थिति सबसे बुरी है। उसके बाद सांप काटने वाली नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, मेडिकल सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, पन्नी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप हालात को देखिएगा ना, सूखा राशन अभी सबसे ज़्यादा काम करेगा और कोई सीओ फोन उठाने को जनप्रतिनिधि का तैयार नहीं होता। तो आज कटिहार डीएम साहब से भी मेरी बातचीत है, कई गाँव में राशन नहीं गया, वहाँ कोई कम्युनिटी किचन हो ही नहीं सकता। तो बाढ़ की स्थिति बहुत विदारक है, इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित अविलंब मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे हमने रोका, अभी जो सबसे बड़ा सर्वे दिलीप जी हमारी बात को माने, जब वो मेरे यहाँ आए मैंने कहा कि 50,000 करोड़ बीघा जमीन जो माफिया अपराधी सरकारी जमीन को कब्जा किया हुआ, पहले उसका सर्वे कीजिए, सर्वे आपको अभी रोक करके समय देना चाहिए। तो दिलीप जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बिहार की जनता की भावनाओं को समझा। तो सुना आपने, जाप सुप्रीमो और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ बातें कही है। देखिए तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से जाते जाते दिखा दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पप्पू यादव कटिहार के बाढ़ से जो नुकसान वाले इलाके हैं वहां पहुंचे हैं, लोकसभा का जो क्षेत्र है वहां पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के वो लोगों से पहले बातचीत भी करते नजर आए। गाड़ी से पप्पू यादव गए थे वहां, उसके बाद उन्होंने नाव पर सवारी की और नाव पर कुर्सी लगाकर बैठ गए और इसके बाद जो भी बाढ़ से नुकसान पहुंचा इसका जायजा पप्पू यादव लेते नजर आए। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे Facebook, Instagram और Twitter पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।